हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूँगा आइचर प्रो 5016 CBC 2019। दोस्तों, इस गाड़ी का प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज और पेलोड कैपेसिटी के बारे में आप लोग को सब कुछ बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। यदि आप एक बाइक लवर हैं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा बाइक चैनल का लिंक मिलेगा, आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइचर प्रो 5016 का क्रोम फिनिश में बैजिंग आपको गाड़ी के सामने देखने को मिलेगा और उसके साथ आइचर का नॉर्मली प्रीमियम लोगो आपको गाड़ी के सामने दोस्तों देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, यह है आइचर का प्रीमियम लोगो क्रोम फिनिश में बैजिंग के साथ, जो कि हर गाड़ी में आपको देखने को मिलता है आइचर का। दोस्तों, बात करें इस गाड़ी के इंजन की, तो इस गाड़ी में लगा हुआ है आइचर का E694 5.7 लीटर 4x6 सिलेंडर CRS इंजन। इस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट है 5700 cc, 170 bhp का पावर, 2400 rpm पर और 620 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1200 से लेकर 1900 rpm पर दोस्तों आपको इस गाड़ी में मिलता है। इस गाड़ी का एवरेज माइलेज है 5 से लेकर 8 तक, क्योंकि इस गाड़ी का 4 वेरिएंट देखने को मिलेगा, इसलिए इसका माइलेज दोस्तों कम और ज़्यादा भी हो सकता है। इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 19.5 लाख से। दोस्तों, इस गाड़ी का आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलेगा, इसलिए इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बात करें इस गाड़ी का लंबाई की, तो इस गाड़ी का जो लंबाई है वो 18 फुट से लेकर 32 फुट तक लंबाई है इस गाड़ी का, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको 4 वेरिएंट दोस्तों देखने को मिलता है। और इस गाड़ी का जो बॉडी टाइप है वो आपको 3 बॉडी टाइप मिलेगा, CBC, CWL और APT। दोस्तों, ये है इस गाड़ी का बैटरी। इस गाड़ी में आपको 24 वोल्ट का बैटरी मिलता है, आप देख सकते हैं ऑन और ऑफ करने के लिए भी इसमें स्विच है। इस गाड़ी का GVW है 16200 kg। दोस्तों, GVW का मतलब होता है ग्रॉस व्हीकल वेट। इस गाड़ी का जो टोटल वेट है वो है 16200 kg। बात करें इस गाड़ी का टायर्स के बारे में, तो इस गाड़ी का टायर है 20 इंच का टायर 16 प्लाई रेटिंग के साथ। इस गाड़ी का सस्पेंशन के बारे में बात करें, तो इस गाड़ी में सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगा हुआ है, जो कि आपको गाड़ी को और भी मजबूती देगा। बात करें दोस्तों इस गाड़ी का वारंटी के बारे में, इस गाड़ी में आइचर की तरफ से 2 साल का वारंटी 2 लाख किलोमीटर तक मिलता है। यदि आप चाहे तो इसे एक्सटेंड भी दोस्तों कर सकते हैं। इस गाड़ी का पीछे वाला लुक आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, सिर्फ नॉर्मल लाइट, और कुछ ज़्यादा देखने को दोस्तों नहीं मिलता। गाड़ी आपको देखने से पीछे ऐसे ही देखने को मिलेगा। इस गाड़ी में जो व्हील है वो है 6 और एक एक्स्ट्रा व्हील लगा हुआ है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 222 mm। दोस्तों, इस गाड़ी का फ्यूल टैंक भी इसके लंबाई के हिसाब से चेंज होता है। इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 220 लीटर से लेकर 395 लीटर तक। चलिए देखते हैं इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन। मैं पहले भी आप बता चुका हूँ, ये एक CBC मॉडल है, मगर इसे CBC भी कहते हैं और CWL भी कहते हैं। CBC में ड्राइवर केबिन होता है, मगर CWL में ड्राइवर केबिन नहीं होता। आप देख सकते हैं, ये है इस गाड़ी का पावर स्टीयरिंग। आपको इस गाड़ी में दोस्तों पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है, आप चाहे तो मैनुअल स्टीयरिंग भी दोस्तों ले सकते हैं। यदि मैं दिखाऊँ आपको इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल, तो फिर लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर और बीच में आपको फ्यूल गज और राइट साइड में आपको RPM मीटर दोस्तों देखने को मिलेगा। और इसमें पावर मोड और इको मोड भी दोस्तों ऑप्शन है, आप चाहे तो इसे भी यूज कर सकते हैं। इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी एडजस्टेबल है और इस गाड़ी का जो ड्राइवर केबिन वो 4-way एडजस्टेबल है। बात करें दोस्तों इस गाड़ी का ट्रांसमिशन की, तो इस गाड़ी में आपको 6-speed ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। दोस्तों, ये था इस गाड़ी का एक छोटा सा रिव्यू। आशा करता हूँ आप लोग को ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो फिर आप इसे एक लाइक कर दीजिए। यदि आपका कुछ सुझाव है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा ऐसे नया नया वीडियो बनाने के लिए।